रतलाम में एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला, जहां पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से सट्टा जुआ, अवैध वसूली और मारपीट करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और राजबाग कॉलोनी स्थित आरोपी दिलीप के घर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया है। सीएसपी हेमंत चौहान ने बताया कि आरोपी दिलीप मारू पर पूर्व में जुआ सट्टा, शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसे कई प्रकरण दर्ज है, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। इस मौके पर एसडीएम संजीव पांडे, सीएसपी हेमंत चौहान और नगर निगम अमला मौजूद रहा। मैं चाहूंगा ये थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत दिलीप पिता कन्हैयालाल मालू है, ये व्यक्ति है। इनके 22 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण है जुए सट्टे के, मारपीट के और शासकीय कार्य में बाधा के। तो आज नगर निगम के द्वारा इसमें जो इनके अवैध निर्माण है, बिना अनुमति निर्माण की हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसमें सहयोगार्थ सुरक्षा पुलिस बल लगाया गया, साथ में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसडीएम साहब भी साथ में।